नमस्ते दोस्तों, मैं शेखर पाटिल, मेरा कंट्री बोनसाई चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मेरा बोगेनविलिया का रिपोर्टिंग करने वाला हूं। यूजुअली आज मैं करने वाला नहीं था, इसको कुछ और दिन करने का सोच रहा था, लेकिन मैं सनलाइट में रखा था ये बोगेनविलिया, तो किसी जानवर ने, हो सकता है कि बिल्ली ने गिरा दिया होगा पॉट को, गिरा के तो मिट्टी निकल गया और मेरा कई सारे रूट्स भी उसका टूट चुके हैं। फिर भी है, बहुत सारे एंकर रूट्स भी है, ये डेवलप हो रहे थे, ये भी रूट्स है अभी भी, और मुझे उम्मीद है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा और ये सरवाइव कर लेगा, और आज इसको रिपोर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, पहले ये कुछ पत्थर रख के ड्रेनेज होल्स को कवर करते हैं ताकि मिट्टी बह न जाए पानी के साथ, और मिट्टी मैंने पहले ही रेडी कर रखा है। आप मेरा पिछली वीडियो देखा होगा कि मैं 45 डेज का इसका अपडेट दिखाया था, और उसके बाद तकरीबन 15 दिन हो गया होगा, और अभी देखो इसका कितना शानदार शूट्स निकले हैं और ब्रांचेस को तो, और नए नए शूट्स आ रहे हैं, ये कई सारे शूट्स आ रहे हैं, अभी भी बड्स निकल रहे हैं, बहुत ही शानदार ग्रोथ था इसका। लेकिन आज अचानक वो सनलाइट में रखा था तो गिर गया, और इसलिए मैं मजबूरन इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, और पूरा उम्मीद है कि ये सर्वाइव कर लेगा और कोई दिक्कत नहीं है। और मिट्टी का मैं बोनसाई सॉइल को पहले ही मिक्सर कर रखा हूँ। कुछ ये गिट्टी भी रख रहा हूँ मैं, पत्थर, ताकि हिले डुले ना, सपोर्ट रहेगा, जल वगैरह होता है तो ये पेड़ मतलब हिलेगा नहीं। ओके, अभी वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग अच्छी तरह करते हैं। बाल्टी या पानी में डुबा के भी रख सकते हैं 5 मिनट, इससे क्या है अच्छी तरह पानी ऑब्जर्व कर लेगा, जो है लास्ट तक, जो नीचे तक जो पानी पहुंच जाएगा, और उसके बाद ज़रूरत नहीं है कि अच्छी तरह वाटरिंग हो गया इसका। रिपोर्ट कर दिया तो इसका प्रूनिंग भी ज़रूरी है, ब्रांचेस बड़े बड़े हो रखे हैं, ये यहाँ तक 6-7 इंच ऊपर से हम उसका प्रूनिंग कर देते हैं। मैं थोड़ा और कम करना था, लेकिन जो यहाँ का जो बड्स है यहाँ निकलने का, मेरे को लग रहा है कि इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं ये जो ताज़ा जो ब्रांचेस है यहाँ से निकलने का चांसेस है, इसलिए इनको छोड़ के थोड़ा ऊपर ही तक कर रहा हूँ, और इनको भी कर देते हैं पूरे ब्रांचेस को क्लीन कर देंगे, तो शायद छोटा है अभी बढ़ने दो, और ये भी है, ओके दोस्तों। आपको तो मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हो। ये कुछ दिन लगेगा, 15-20 दिन में ये सर्वाइव कर लेगा, और इसको छाया में रखना ज़रूरी है, अभी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, 15 दिन तक जो है थोड़ा
शेड में रखेंगे ताकि सर्वाइव करने में कोई परेशानी ना हो। और देखो नए नए शूट्स की तो होड़ लगी हुई है, ऐसे लग रहा है बहुत ही शानदार इसका ग्रोथ है। और मेरा चैनल को कंट्री बॉन्साई चरण को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।